को मौका दिया गया, उज्जैन से अनिल फिरोजिया। रिपीट, उज्जैन से अनिल फिरोजिया और ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल है। और छिंदवाड़ा से, यहाँ छिंदवाड़ा से भी नाम सामने आ गया है। छिंदवाड़ा से किसको दिया है टिकट आपको बताते हैं थोड़ी देर में। बालाघाट से भारती पारदी, उज्जैन से अनिल फिरोजिया को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को टिकट मिला है। लीजिए लगातार विवेक बंटी साहू बार बार कांग्रेस को, चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, उन्हें मुकाबला दे रहे हैं, उन्हें टक्कर दे रहे हैं। विवेक बंटी साहू युवा के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर कमलनाथ को बेटे की तरह इंट्रोड्यूस किया गया, अब आपका ये बेटा आपसे मौका चाहता है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू। और ये तीन सीटें हो गई, उज्जैन हो गया, बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया। धार से सावित्री ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। सावित्री ठाकुर पर अपना विश्वास, महिला प्रत्याशियों को बीजेपी ने इस बार आगे किया है। ललित, पहली लिस्ट अगर देख ली जाए, पहली लिस्ट इंदौर से शंकर लालवानी, रिपीट, ये नाम लगभग तय था, न्यूज 18 लगातार ये आपको बता रहा था। हालांकि बिल्कुल, और कहा गया बहुत पीछे बयान आए, ट्विस्ट आए, वापस लिए गए, लेकिन शंकर लालवानी के नाम पर मोहर लगा दी है। और कल मेरा ख्याल है आप इसे जोड़ भी रही थी, सीएए को लेकर इन्होंने बड़ा काम किया। बिल्कुल, सीए को लेकर लगातार यहाँ पर आवाज उठा रहे थे और उसी का फायदा मिला, शंकर लालवानी के नाम पर वापस से मोहर, वापस से भरोसा। हालांकि बीच में कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया उससे थोड़े संशय की स्थिति बन गई, लेकिन आखिरकार शंकर लालवानी, और जैसे ही सीए का ऐलान हुआ ये लगभग तय मान लिया गया। इंदौर सीट और उज्जैन, इस पर दरअसल बीजेपी के लिए पेच बहुत ज्यादा थे। भाई और ताई एक फैक्टर यहां पर काम करता है, पुराने सांसद को रिपीट करने का एक फैक्टर यहां पर काम करता है, महिलाओं को टिकट देने का एक दबाव भी था। 195 में से याद करिए पिछली लिस्ट, मैं अपना आपको बताऊं कि तकरीबन 20% महिलाओं को टिकट दिया गया। बिल्कुल, शंकर लालवानी के नाम पर संशय जताया था कैलाश विजयवर्गीय ने, लेकिन दिल्ली पहुंच गए शंकर लालवानी और टिकट देखिए पक्का यहां पर हो गया है। सीए के लेकर आवाज उठाने का फायदा मिला और यहाँ लगातार धार से सावित्री ठाकुर पर भरोसा, उज्जैन से वापस सिटिंग एमपी को अनिल फिरोजिया को टिकट दिया है बीजेपी ने, वापस विश्वास दिखाया है। 5 की 5 सीटें जो होल्ड पर थी वो डिक्लेयर हो गई हैं। तो लगातार जो उज्जैन से नाम निकलकर सामने आ रहा था, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जो नाम उज्जैन से निकलकर सामने आ रहा था, एक जाटवा सरनेम आपने सुना होगा, डॉक्टर प्रभुलाल जाटव है और वो बहुत करीबी माने जाते हैं डॉक्टर मोहन यादव के। इसके चलते फैसला आलाकमान ने लिया और मौका अनिल फिरोजिया को, धार से सावित्री ठाकुर मैदान में, इंदौर से शंकर लालवानी मैदान में, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू। एक तरह से पिछली बार नथन शाह यहां पर थे और वोट का परसेंटेज यानी तकरीबन 30,000 का विनिंग मार्जिन था। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या विवेक बंटी साहू उस जगह तक पहुंच पा रहे हैं, जीत पा रहे हैं? ये सब जनादेश की बातें, ये आगे क्लियर होगा। विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से, सावित्री ठाकुर धार से, भारती पारधी बालाघाट से, यहां से नाम मौसम बिसेन का भी चल रहा था जिन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया, लेकिन खड़े उनके पिता हुए। एन वक्त पर मौसम बिसेन की तरफ से यह पता चला कि साहब वो बीमार है, उनका भी नाम यहां से चल रहा था। बालाघाट, ये पारंपरिक सीट है इस परिवार की। तो धार से सावित्री ठाकुर पर अपना विश्वास पार्टी ने यहां दिखाया है, पहले भी सांसद रह चुकी हैं सावित्री ठाकुर और अब एक बार फिर चुनावी मैदान में बीजेपी ने। ये 5 सीटें होल्ड पर थी, पहली लिस्ट में 24 सीटों के नाम थे और अब सेकंड लिस्ट में बची हुई 5 सीटों के नाम यहां सामने आ गए। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए। शैलेंद्र, बीजेपी की सेकंड लिस्ट और 5 के 5 नाम निकले एमपी के लिए बचे जो हुए थे। हाँ देखिए, बिल्कुल, आज जो 43 नामों की सूची जारी उसमें मध्यप्रदेश के बाकी 5 नाम घोषित हो चुके हैं और जो कि चर्चा थी कि 5 सीट में से 2 महिला उम्मीदवारों को और बीजेपी टिकट देगी, तो वो टिकट आज दिए गए हैं। धार से सावित्री ठाकुर जो कि 2014 में सांसद थी, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के उमंग सिंगार, उनको चुनाव हराया था, एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया। 3 बार के सांसद छत्तर सिंह दरबार का टिकट काटा है, यहां पर सावित्री ठाकुर को फिर से मौका मिला है। इसी तरह बालाघाट से चौंकाने वाला नाम डॉक्टर भारती पारदी को टिकट दिया गया है। पारदी काफी समय से सक्रिय रही संगठन में और अभी तक कोई बड़ी प्रोफाइल नहीं थी, लेकिन उन्हें सांसद का टिकट देकर पार्टी ने चुका। यहां पर गौरी शंकर बिसेन की जो बेटी है मंत्री पूर्व, उनकी मौसम बिसेन का नाम सबसे आगे था, लेकिन उनकी जगह डॉक्टर भारती पारदी को टिकट दिया गया। यहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का भी नाम
था, लेकिन पार्टी ने यहाँ पर भारती पर भरोसा जताया। इसीलिए सबसे बड़ी हॉट सीट जो मध्य प्रदेश की इंदौर को लेकर काफी कवायद थी कि यहाँ पर कोई महिला चेहरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पार्टी ने एक बार फिर से सांसद शंकर लालवानी पर भरोसा जताया है। और शंकर लालवानी यहाँ पर पिछले चुनाव में भी काफी बड़े मार्जिन से जीते थे और एक बार फिर उन्हीं को पार्टी ने टिकट दिया है। और दूसरा टिकट उज्जैन से भी रिपीट हुआ है, जो अनिल फिरोजिया, उन्हें वापस से टिकट दिया गया है। फिरोजिया के नाम को लेकर भी काफी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन एक बार फिर संगठन की राय के बाद, सलाह के बाद उन्हें ही मौका दिया गया है। तो यहाँ पर जो पांचों चेहरे हैं, छिंदवाड़ा के जरूर हम बात करेंगे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के जो बेटे नकुलनाथ, उनके सामने यहाँ पर विवेक बंटी साहू को मौका दिया गया है। विवेक साहू यहाँ जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। और दूसरी बड़ी ये बात है कि उन्होंने कमलनाथ को चुनाव में काफी कड़ी टक्कर भी दी थी, तो यहाँ पर बंटी साहू अब नकुलनाथ के सामने होंगे। काफी यहाँ पर टक्कर देखने को मिलेगी चुनाव में, और ये लग रहा है। बिल्कुल ये बात सही है आपकी कि छिंदवाड़ा में टक्कर देखने को मिलेगी। विवेक बंटी साहू, जैसा कि आपने जिक्र किया, कमलनाथ के खिलाफ भी लड़ चुके हैं, पिता के खिलाफ लड़ चुके हैं, पुत्र के खिलाफ अब लोकसभा में रहेंगे। एक और बात जो समझ से परे है, इंदौर को लेकर मेरा ख्याल है ऐसा, शैलेंद्र राजनीति के जानकार ऐसा कहते हैं कि वहां के भाईताई के समीकरण और इन सबसे इतर, क्या CAA का भी इफेक्ट है? क्योंकि सांसद शंकर लालवानी तब सवालों के घेरे में आ गए थे जब बावड़ी कांड हुआ था। इसके बाद यह माना जाने लगा था कि नाराजगी है उन्हें लेकर, लेकिन CAA के ऐलान ने उन्हें एकदम पुशअप कर दिया, ऊपर कर दिया। शैलेंद्र ललित, बिल्कुल देखा आपने, बिल्कुल सही बात कही है, यही बात है। हमने संगठन से भी कुछ नेताओं से बात की थी, क्योंकि यहां पर बार बार यह बात आ रही थी कि इंदौर से किसी महिला चेहरे को टिकट दिया जा सकता है। अगर आपने कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुना हो, राष्ट्रीय महासचिव, उनके मुंह से भी ये बात निकली थी कि यहां पर शंकर लालवानी का टिकट तो कट गया, कोई महिला को मिल सकता है, ये बात आई थी। हालांकि उन्हें बाद में अपना बयान वापस लेना पड़ा था, लेकिन CAA का जो इफेक्ट है, क्योंकि CAA के कारण ही शंकर लालवानी का टिकट वापस हुआ है, इससे वो क्योंकि सिंधी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये बात सामने आई भी थी कि किसी सिंधी का अगर टिकट सांसद का काटा जाएगा, समाज का, तो गलत मैसेज जाएगा। और अभी CAA लागू हुआ, इसी वजह से शंकर लालवानी पर फिर भरोसा जताया गया है और एक बार फिर शंकर लालवानी यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारे। और शायद वजह यह भी है, आपने सिंधी समाज का जिक्र किया, आजादी के बाद जो शरणार्थी पहुंचे थे, उनके एक बड़ी बसाहट जो थी, मेरा ख्याल है 3 से 5 हजार, मैं तब के दौर की बात कर रहा हूं, 47, उनकी एक बड़ी बसाहट को इंदौर में रखा गया था, इसका भी अब इसका भी इफेक्ट मिलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये यही बात है। हमारे साथ अभी यहाँ पर सिंधी नेता हैं बड़े, जो भाजपा के प्रवक्ता भी रहे, प्रकाश मीरचंदानी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं, ये भी काफी समय से यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते रहे। एक बार फिर इंदौर से शंकर लालवानी को टिकट दिया, सिंधी समाज की मांग भी थी कि उन्हें टिकट दिया जाए। देखिए, शंकर लालवानी जी सिंधी समाज के सीनियर लीडर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उनका जो कार्यकाल रहा, मुझे लगता है कि अच्छा कार्यकाल रहा है, और तमाम बार उन्होंने सिंधी समाज की बातें पार्लियामेंट के अंदर रखी हैं। उन्होंने जैसे अपनी शपथ भी जो सांसद की थी वो सिंधी भाषा में जाके ली थी उन्होंने, और एक दो बार उन्होंने सिंधी में वक्तव्य, सिंधी समाज की मान सम्मान को करने की दृष्टि से अपने वक्तव्य भी सिंधी में वहां पर लोकसभा में माननीय अध्यक्ष जी से अनुमति से लेकर पढ़े हैं। तो निश्चित रूप से एक सुयोग्य व्यक्ति हैं, अच्छे हैं, इंदौर को सबको साथ में लेकर चलते हैं, इंदौर के लिए काफी काम कर रहे हैं, और माननीय कैलाश जी से भी उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, और सरल मृदुभाषी और सरल व्यक्ति हैं, और कैलाश जी ऐसे व्यक्तियों को पसंद करते हैं। और जहां कैलाश जी को भी पता चला था कि शंकर का शायद टिकट नीचे ऊपर हो रहा है, तो उन्होंने वहां उनकी मदद भी करी है, ये मेरी जानकारी में है, और इसीलिए अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, और सही कहा आपने शैलेंद्र, और यही वजह है कि अब चूंकि एकदम से अचानक से ये मामला भी सामने आ गया है, और ये भी सही है कि उन्होंने सिंधी भाषा में वक्तव्य दिए, शपथ ली, ये वाकई जो बड़ी बात है उस लिहाज से, और उन्हें ही टिकट मिला है। एक बात और है कि धार के जो राजनीतिक समीकरण है, अब वो किस तरह से हो जाएंगे? शैलेंद्र बहुत शॉर्ट में प्लीज।
हाँ देखिए बिल्कुल, धार तो सावित्री ठाकुर के लिए धार नया नहीं है, वो धार में 2014 में जीती थी और उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, जो अभी यूथ चेहरा है, जो कांग्रेस के दो बड़े चेहरे जीतू पटवारी उमंग सिंगार, उन्हीं उमंग सिंगार को बड़े चुनाव में हराया था। तो सावित्री ठाकुर अब पिछले चुनाव में टिकट कटा लेकिन वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है, बड़ा आदिवासी चेहरा है और उनकी एक अच्छी पकड़ है और सामान्य चेहरा है और कहीं ना कहीं बीजेपी की एक रणनीति भी थी कि महिला नेत्रियों को मौका देना है। तो जब समीकरण सारे बदले तो सावित्री ठाकुर उसमें फिट बैठी। हाँ। और अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुआ था 4 महीने पहले, इन सब के बीच बड़ा बीजेपी के सामने ही आया, क्या इसमें एड ऑन करने की जरूरत है कि इंदौर खंडपीठ ने कहा है कि धार भोजशाला का ASI सर्वे होगा, ये बड़ा गेम चेंजर है, इसमें तब्दीली लाएगा, पोलराइजेशन बढ़ाएगा। बिल्कुल देखिए, धार भोसाला को जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसके वापस से सर्वे होगा तो निश्चित ही धार भोसाला एक बड़ा वहां गर्म मुद्दा रहा है और पिछले कई दशकों से वहां पर भोसाला को लेकर कहीं ना कहीं सामाजिक एक वो माहौल रहा है कि वहां पर सांप्रदायिक कई बार हिंसा भी हुई, तो निश्चित ही इस बार का चुनाव ये भोसाला मुद्दा सबसे गर्म रहेगा और अब सावित्री ठाकुर को टिकट भी दिया गया और धार देने का काम करेगा। धार भोजशाला को हिंदू समाज जो है माँ वागदेवी का मंदिर मानता है और जाहिर तौर पर अब सियासी सुगबुगाहट बढ़ेगी तो इस मामले पर चर्चा और बढ़ेगी। पुनीत भी लगातार जुड़े हुए हैं। पुनीत, पवन गौर आपको टीवी स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल है पवन से। पवन, ये पहले कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश की जो 5 सीटें होल्ड की गई हैं इसमें जो टिकट वितरण है इस पर काफी कवायद करनी पड़ेगी और कैलाश विजयवर्गीय ने तो इशारों में यह तक कह दिया था कि टिकट कटने वाला है और महिला को टिकट मिलेगा या कोई सेंट्रल से कोई केंद्रीय नेतृत्व कोई यहां पर आ सकता है, उतर सकता है। लेकिन सारी बातें बाद में, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था और यह उनकी बात सच निकली कि मजाक ही हुआ और टिकट मिल गया शंकर लालवानी को।